हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की मैथ्स बुक का फर्स्ट चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स। इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विद हर। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज 1200 ईच। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है, एक लड़की है जो मर्चेंट है, उसके पास कितने रुपीज हैं? 78,592 रुपीज हैं। अब उसने एक ऑर्डर प्लेस करा है, किसका? रेडियोस का। कितने रेडियो का? 40 रेडियो का, और एक रेडियो की वैल्यू है 1200। अब पूछा गया है इसमें हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, कि अगर वो रेडियो परचेज कर लेती है तो उसके पास कितने पैसे बचते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है कि उसने कितने के रेडियो परचेज करे हैं। तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ वन रेडियो कितनी है? 1200। अब उसने कितने परचेज करे हैं? 40। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस कितनी हो गई? इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। अब इसमें कभी भी अगर जीरो जीरो है तो हम क्या करेंगे, 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर लिया और जितने जीरो हैं उतना एज इट इज लिख लिया। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए 4 टू जा 8, 4 वन जा 4, तो ये हो गया हमारा 48। और कितने जीरो है? 1, 2, 3 लास्ट में, तो 1, 2, 3 हमने ये ऐसे लिख लिया। तो ये हमारी कैलकुलेशन इजी और क्विक हो गई। तो अब उसने कितने के रेडियो परचेज करे हैं? 48,000 के। और उसके पास कितने पैसे पहले से थे? इतने। तो अब हमें बता रहा है उसके पास कितने पैसे बचे, तो फिर क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। तो अब यहां लिखते हैं शी हैड रुपीज कितने, 78,592, और रेडियो परचेज्ड ऑफ रुपीज कितने के करे हैं? 48,000 के। तो हम इसको माइनस करेंगे इससे, तो ये 2, 9, 5, 8 में से 8 गया 0 एंड 7 में से 4 गया 3। तो मतलब शी हैड मनी 30,592 आफ्टर परचेजिंग द रेडियोज़।